बिजनौर के थाना क्षेत्र धामपुर के भगत सिंह चौराहे पर नगर पालिका परिषद के कुछ सफाई कर्मचारियों के साथ कल रात व्यापारियों ने गाली गलौज और मारपीट कर दी। इसी घटना को लेकर आज सफाई कर्मचारियों ने व्यापारियों के दुकान पर पहुंचकर पहले बातचीत की, लेकिन जब बातचीत नहीं हो पाई तो बाद में लाठी डंडों में ये बातचीत बदल गई। वाल्मीकि समाज के कई सफाई कर्मचारी और व्यापारी के बीच इस मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए। इस मारपीट के बाद पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले गई। इस घटना से नाराज सफाई कर्मचारियों ने भगत सिंह में कूड़ा डाल दिया। व्यापारी भी इस मारपीट के विरोध में दुकान बंद कर बैठ गए। धामपुर के भगत सिंह पर कूड़ा डालने आए सफाई कर्मचारियों ने व्यापारी को पहचान लिया और अपने अन्य साथियों को फोन किया। बाद में वहां पहुंचे अन्य सफाई कर्मचारियों ने रात हुई बातचीत को लेकर व्यापारियों से बातचीत चल रही थी तभी किसी अनबन को लेकर सफाई कर्मचारी ने झाड़ू में लगे डंडे से मारपीट शुरू कर दी। उधर सभी सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर व्यापारियों की दुकान डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी। रवि चौधरी ने मौजूद नगर पालिका चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए बताया कि ये चेयरमैन सत्ता के नशे में चूर है, अगर ये इस मामले को निपटा देते तो ये नौबत नहीं आती। उधर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। अच्छा। लकड़ी पर से उतार उतार के कहने लगे हमारा डालो हमारे डालो, उन्होंने डाली। जब पर्ची देते हैं हाँ। तो उनके तो डालते हैं लकड़ी हाँ। इन्होंने गदाबदी करी, उनके ऊपर चार पांच आदमी मार गए हाँ। कौन लोग थे, कौन लोग थे? लोग का पता नहीं है, हम अपने घर में थे। अच्छा। तो हमें पता चला तो इतने में सब भाग गए। अच्छा। जब ये लोग इन्होंने आई, हमने अपनी सिफारिश करी थी उससे, जब हमने अपने चेयरमैन से शिकायत करी, चेयरमैन ने कोई हमारे लिए वो नहीं करा, सुनाई नहीं करी। सुनाई के बाद हमारा आदमी आया कूड़ा डालने, फिर ये इन लोगों ने इतना मारा जिसमें हमारी औरतों को भी ऊपर हाथ छोड़ा, एक आदमी दो आदमी चार पांच घायल है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? ये लोग भाग गए नहीं, हमें क्या पता कहाँ थे। यही हक नहीं है सारे, इन्होंने दुकान दे दी। वो सिर्फ सत्ता के नशे में चूर होने का कारण है। अगर किसी से कोई गलती हो गई थी, चेयरमैन चाहते तो आप तुम बैठ के इनका समझौता करा सकते थे जी। लेकिन वो सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्होंने वाल्मीकि समाज की कोई अहमियत नहीं समझी, जबकि वाल्मीकि समाज सफाई कर्मी जो है शहरी गंदगी साफ करने का काम करते हैं। उनके साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शहर की जनता वाल्मीकि समाज के साथ है, हम सब लोग वाल्मीकि समाज के साथ हैं। रवि चौधरी जिंदाबाद, रवि चौधरी जिंदाबाद। ये भी आरोप है कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ की, क्या लगता है पूरा मामला कैसे हुआ? देखिएगा, वाल्मीकि समाज ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी। जब आप किसी चीज को दबाओगे, मारोगे, पीटोगे तो देखिएगा एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये वाल्मीकि समाज को कमजोर समझकर जहाँ मार पिटाई कर रहे थे, तो वाल्मीकि समाज मजबूर होकर क्या करेगा? जो वाल्मीकि समाज ने करा उनके साथ, सब समाज वाल्मीकि समाज के साथ है।